सो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी हम बात करते हैं आज लाइट सेक्शन की। लाइट सेक्शन की शुरुआत करते हैं कि क्या लाइट सेक्शन, किस तरीके से उसमें हम लाइट सेक्शन को समझें और कितनी उनकी सप्लाइयाँ होती हैं, कैसे हमें उन्हें चेक करना चाहिए, कैसे हमें समझना चाहिए कि हमें किस तरीके की आईसी मिलने वाली है या हमें किस तरीके की सप्लाई मिलने वाली है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा। देखो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपका डिस्प्ले कौन सा है। डिस्प्ले दो प्रकार के होते हैं। आप अब जो फ़ोनों के अंदर आ रहे हैं, जो शुरुआत से चल रहे हैं, देखिए किसी भी एक डिस्प्ले के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, पर अभी मार्केट के अंदर अगर हम एक टोटल फॉर्मेट की बात करें तो दो ही फॉर्मेट हैं। एक आईपीएस डिस्प्ले जिसको हम इन प्लेन स्विचिंग कहते हैं, और एक होता है आपका एमोलेडी डिस्प्ले जिसको हम एटिक मैट्रिक्स ऑर्जेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। सो देखो, दोनों डिस्प्ले में अंतर है। एमोलेडी के अंदर बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे सुपर एमोलेडी हो गए, ओएलईडी। तो ये सारे जो डिस्प्ले हैं ये एमोलेडी के प्रकार होते हैं। एमोलेडी और सुपर एमोलेडी के अंदर एक अंतर ये पाया जाता है कि एमोलेडी के अंदर टच इनबिल्ट होती है, पर सुपर एमोलेडी के अंदर आपको टच भी इनबिल्ट देखने को मिलेगी। पर दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि आज हम कौन सा लाइट सेक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा मैटर ऑफ फैक्ट यही है कि अभी की डेट में टीचर पढ़ा तो देते हैं पर ये नहीं समझा पाते हैं कि हमें लाइट सेक्शन की कैटेगरी भी होती है। फ़ोनों के अंदर लाइट सेक्शन उसके डिस्प्ले के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास डिस्प्ले है आईपीएस, तो इसके अंदर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, इसके अंदर आप आईपीएस के अंदर खुद की लाइट नहीं होती है, उसको लाइट बनाने के लिए अलग से यहाँ पे एलईडी का यूज करना पड़ता है। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, एलईडी इसकी खुद की लाइट नहीं होती है, इसको अलग से लाइटिंग करने के लिए एक अलग से एक एलईडी स्ट्रिप, अलग से लाइटिंग करने के लिए एक एलईडी स्ट्रिप की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ये स्ट्रिप दो तरह की लगी होती है, एक पैलर और एक सीरीज। तो जनरली ये ज़्यादातर जब हम ज़्यादा एलईडी का यूज़ करते हैं तो उसको पैलर में लगाते हैं कि कुछ 10 हमने एक पैलर में लगाई और 10 हमने एक पैलर में लगाई, उसके बाद उसको जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम एलईडी का यूज़ करते हैं, इसीलिए क्योंकि इसकी कोडिंग बन जाती है एलईडी एनोड। क्योंकि दोस्तों हमारे एलईडी, आपको तो पता ही होगा, एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, और डायोड के अंदर एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो ये तो आपको ये चीज पहले से पता होगी, तो एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो हम इसी लाइट सेक्शन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें आईपीएस डिस्प्ले को क्लियर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हम आईपीएस डिस्प्ले को नहीं पढ़ेंगे तो हमें सुपर एमोलेडी या एमोलेडी के लाइट सेक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले हैं। और आपने स्टेप टू स्टेप ही इन चीजों को समझना है ताकि आपको बेहतर नॉलेज मिल सके, बेहतर आउटपुट देता है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपकी डिस्प्ले कौन सा है। सो जैसे कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डिस्प्ले कौन सा है, तो अब हमें सबसे पहले पता करना है कि हमारी कैटेगरी कौन सी है। आईपीएस होनी चाहिए, एमोलेडी, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे लाइट आईसी कौन सी होगी, हमारा सप्लाई की कोडिंग क्या होगी। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपके फोन के अंदर डिस्प्ले कौन सा है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप डिस्प्ले को देखकर नहीं समझ सकते, तो आप बिल्कुल उसको गूगल से, आप एक वेबसाइट है जिसमें आप जिसमें आप मोबाइल का ब्रांड नंबर डाल के और जीएसएम आप एरिना कर सकते हैं। सो एक वेबसाइट है दोस्तों, जीएसएम एरिना, जिसमें आप मॉडल का नाम लिख के आ गए हैं, स्पेस करके जीएसएम एरिना लिखेंगे तो आप देख सकते हैं। सो आपको इस वेबसाइट के अंदर जाके पर्टिकुलर यहाँ पर आपको डिस्प्ले के आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि आईपीएस है तो आईपीएस लिखा होगा, और एमोलेडी है सुपर एमोलेडी है तो सुपर एमोलेडी लिखा होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ नॉलेज मिल गई होगी। बट अगर आप स्कीमेटिक्स एज अ टेक्नीशियन जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको सिखाएंगे, और इस वीडियो से आपको ये पूरा नॉलेज मिलेगा। ये वीडियो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये कोई 10 15 20 या आधे घंटे का वीडियो नहीं, ये पार्ट टू पार्ट में डाला गया है और ये एप्लीकेशन के अंदर आप देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि क्लियर हो गया, दो तरह के डिस्प्ले होते हैं, एक होता है हमारा आईपीएस और एक होता है हमारा सुपर एमोलेडी, एमोलेडी हम जिसको कह लें। तो आज हम जो लाइट सेक्शन की बात करने वाले हैं, अभी फिलहाल जो हम शुरुआत करेंगे वो हम आईपीएस डिस्प्ले की बात करेंगे।